नगरपालिका गरियाबंद क्षेत्र के साफ सुथरी मांगों को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष हाफिज खान और शहर अध्यक्ष दिलीप सिन्हा, जिला महामंत्री नादिर कुरैशी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से सैकड़ों कांग्रेसियों ने नगरपालिका घेराव करने निकले, जिनको पुलिस ने बैरिकेड लगाकर तिरंगा चौक पर रोक दिया। कांग्रेसियों ने नगर की जन समस्याओं को दूर करने में पालिका अध्यक्ष और पालिका प्रशासन को नाकाम बताते हुए जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्ष हाफिज खान ने नगरपालिका अध्यक्ष पर हवा हवाई काम की जगह धरातल में काम कर गरियाबंद का वास्तविक विकास करने को कहा। नगर में बने वाटर एटीएम, नगर की सीवरेज सिस्टम, धूल मुक्त गरियाबंद, मटन मार्केट का व्यवस्थापन और अतिक्रमण के नाम पर कुछ दिन पूर्व कुछ छोटे व्यवसायी लोगों की दुकान को दुर्भावनापूर्वक तोड़ा गया है, जिनके व्यवस्थापन की मांग रखी। और नगर के वार्ड 1 से 15 तक जिस जल निकास नालियों की ढक्कन खुली है, उनको ढकने के साथ नालियों की सफाई तत्काल करवाने की मांग प्रमुख रही। आज कांग्रेस के इस आंदोलन से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दूरी बना रखी थी। कुछ पार्षद और एल्डरमैन गायब रहे, जो चर्चा का विषय रहा। आज कांग्रेसियों ने बड़े ही उत्साह के साथ आंदोलन पर रहे, जो पूर्णतः सफल रहा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हाफिज खान ने बताया कि हमने पूर्व निर्धारित तिथि पर पालिका और प्रशासन के मांगों को अनसुनी करने के चलते आज घेराव किया और मांगों को कलेक्टर को सौंपा है। अगर हमारी जनहित की मांगों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिकारियों से अपील की गई कि आम जनता का काम समस्याओं का त्वरित निराकरण करें, रुपेश सरकार को बदनाम करने वाले कार्य न करें, अन्यथा इसका भुगतान भुगतना होगा। नगरपालिका गरियाबंद के सीएमओ पर ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने सीएमओ की नियुक्ति नगर के विकास एवं गरीबों की सेवा करने के लिए पदस्थ किया, परंतु सीएमओ द्वारा बीजेपी के पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन के इशारे पर गरीबों की दुकानों को तोड़ा गया, जिससे भूपेश सरकार की छवि खराब की जा सके और बीजेपी के नेताओं से सरकार व पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। यहाँ जो है नगर पालिका सीएमओ को माननीय भूपेश बघेल जी सिर्फ गरियाबंद के विकास के लिए और गरीबों के सेवा के लिए भेजा है, मगर नगर पालिका जो सीएमओ है वो जो है अपने मनमानी से गरीबों का सिर्फ अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। जब भी कोई मांग करने जाते कोई मांग को पूरा नहीं कर पाता, खाली भैया से पूछूंगी और ये अध्यक्ष से मिल के भूपेश सरकार को बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है। बिंदु में मांग किए हैं जिसमें पहला अतिक्रमण है जो कि बाजार से सभी जने का हटना चाहिए, दूसरा वार्ड नंबर 1 से 15 तक नालियों में ढक्कन ढकना चाहिए, वार्ड नंबर 4 में जो गंदा पानी, 5 नंबर 4 नंबर को जो तालाब में घुस रहा है उसको आमदी नाले में जोड़ा जाए, और अपना मोटा मटन जो दुकान है यहाँ पर उसको परिषद वहाँ भूल खाते पड़ा हुआ है 2 साल से वहाँ स्थापित किया जाए, और अतिक्रमण जो उसको गरीबों को तोड़ा गया है उसको तत्काल विस्थापित किया जाए, कहीं कहीं उसको दिया व्यवस्था किया जाए और गरियाबंद को धूल मुक्त किया जाए, ये हमारी 7 मांगे हैं। आप खाली वही उसको दिए थे नगर पालिका को 48 घंटे का समय कि आप तत्काल इस मांगे को पूरी किया जाए, जबकि ये जो मांग हमारे 28 दिन में कोई जवाब है नगर पालिका, तो हमको उग्र करके यहाँ खिलाफ बनना पड़ा नगर पालिका के। नादिर कुरैशी, जिला महामंत्री, गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी से 7 बिंदुओं पर हमारी मांग थी। भूपेश सरकार का गरीबों के साथ में बहुत अच्छा सहयोग हमेशा रहा है और यहाँ पे गरीबों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, जो कि सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। माननीय विधायक महोदय अमितेश शुक्ला का ये विधानसभा क्षेत्र है, अगर नगर पालिका में बैठे कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। मुद्दा हमारा 7 मुद्दा है। एक तो गरियाबंद में जितने भी खुली नालियां हैं उन पर ढक्कन लगाया जाए, क्योंकि एक आदिवासी लड़के की अभी गिर के मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले, और मटन मार्केट को स्थापित किया जाए जो कि 2 साल हो गया है उसके निर्माण को पूरा कंप्लीट हुए हुए और उसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई स्थापना नहीं हुई है। पानी एटीएम बना हुआ है 2 साल से जिनको किसी को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, और शहर को धूल मुक्त करने के लिए भी हमारी मांग थी। हम लोगों की मांग के लिए हमने उन्हें 48 घंटे का समय दिया था, जो कि उनके तरफ से किसी भी प्रकार की कोई जवाब अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाई है, ना लिखित ना मौखिक। इसलिए हम लोगों ने आज पालिका का घेराव किया और माननीय न्यायाधीश के हमने न्यायाधीश को आज विज्ञप्ति दी है, आगे उग्र आंदोलन और किया जा सकता है। अगर हमारी मांग पर तुरंत निवारण नहीं होगा
तो हम आगे भी इस प्रकार की आंदोलन कर सकते हैं। समय न्यूज के लिए गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।